बच्चों को नहीं, मुझे जाना होता है स्कूल सुबह सुबह। देखो और स्कूल में ना मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए मुझे, और ये भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रखे हैं। तो इनका नाम है दीपा और इनका चैनल भी है दीपा रतेला करके। आप आज हम स्कूल जा रहे हैं और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे, ब्रेकफास्ट में बनाया आज गोभी की सब्जी और पराठे। हेलो माय टू फैमिली, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6:15 में, और बच्चे का हो रहा है स्कूल का टाइम, तो बच्चों को छोड़ने के लिए भी जाना है। उससे पहले ना बच्चे गए हैं नीचे खेत में फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि आज उनको ना स्कूल से फ्लावर्स मंगा रखे हैं, पता नहीं क्या काम है। और उनका नाश्ता पानी भी हो गया है, तो गुंजन ना नीचे फूल तोड़ने के लिए गई है और साथ में लक्कू भी गया है। लक्कू, ये जो फूल तोड़ा है किसके फूल है बाबू? मेरे नहीं, किस चीज के फूल है? नाम क्या है फूलों का? फूलों का नहीं, मैरी गोल्ड। क्या है? मैरी गोल्ड। तो दोनों यहाँ पे फूल तोड़े और मौसम है। अरे मैरी गोल्ड गेंदा। गेंदा मैरी गोल्ड। इंग्लिश में मैरी गोल्ड, हिंदी में गेंदा, पहाड़ी में हाजरी का फूल। जी यस जी, हाँ। और सुबह सुबह का मौसम भी इस तरह का हो रखा है, सूर्यदेव हमारे आ चुके हैं। और बाकी अभी बच्चे कोई स्कूल भी जाने लग गए। देखो नीचे वाले रोड पे, वो वाली गली के वहाँ पे, बाकी ऐसे हो रखा है सुबह सुबह का। और हमारे गली में दो बच्ची भी आ गई। ये ना हमेशा आते हैं, जो गाय दिख रहे ना हमेशा आते हैं। तीन बच्चियाँ हैं, ये साथ में ही आते हैं और हमें खाना जो बचा रहता है ना यहाँ पे रखते हैं, तो ये यहाँ से खा के चले जाते हैं। अभी तो रखा भी नहीं हमने, थोड़ी देर में रखेंगे, आज ही पहले ही आगे। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, हाँ आराम से आओ। और मैं कैसे पहनी हूँ ना टोपा पहन पहन के, क्योंकि सुबह सुबह ना मॉर्निंग में ठंडा होता है तो काफी सर दर्द हो जाती है, इसलिए मैंने आज टोपी पहन ली। हाँ नहीं बहुत है, दुष्टों का नहीं तोड़ते हैं, जल्दी आओ। किसके फूल है बोला ये बेबी? मैंने ताई के। नहीं, किस चीज के फूल है दिखाओ तो, कितने तोड़ के लाए? किस चीज के? मैरीगोल्ड पिंक वाला। पिंक लग रहा तुझे ये? पिंक है। अच्छा पिंक है भी इसमें? हाँ। अच्छा चलो फिर। वैसे बच्चे तोड़ के लेके आ गए हैं गेंदे का फूल, और अब मैं भी बाल बाल बनाती हूँ, फिर इनको छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाकी अंदर का हाल तो ऐसे रहता है सुबह सुबह, एक बार इनका काम हो जाए इसको छोड़ने का, पहुंचाने का, फिर इसके बाद काम तो होते रहता है। और पीने का भी मन नहीं कर रहा, ठंडा हो गया ना, तो इनको छोड़ के आती हूँ। उससे पहले मैं अपने बाल बाल बना, मेरे बाल देखो कैसे हो रखे हैं टोपा पहन के, तो अपने बाल बाल बनाती हूँ और इनको छोड़ के आती हूँ। बड़ा काम ये होता है सुबह सुबह का, उठो बच्चों को तैयार करो, उनको स्कूल छोड़ के आओ। बच्चे मेरे से पहले पहुँच चुके हैं रोड पे, अब क्या, तो मैं भी चलती हूँ। बच्चों को नहीं, मुझे जाना होता है स्कूल सुबह सुबह। देखो हाय, हाय।
बच्चों को भी छोड़ दिया और स्कूल में ना मेरे सब्सक्राइबर भी मिल गए मुझे, और ये भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रखे हैं, और मैं भी कपड़ी हूँ, और ये मेरी ना पुरानी सब्सक्राइबर है। थैंक यू सो मच आपका ब्लॉग देखने के लिए। ये भी हमारे वहीं के ककोट के, तो अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ के मिल गए जब तो ना। लेकिन मुझे सबसे प्यारी आपकी गुंजा लगती, कितने अच्छे संस्कार दे रखे हैं, कितनी प्यारी बच्ची है वो ना, पढ़ाई में भी घर का भी, मतलब इतनी प्यारी बच्ची लगती है, सच में सबसे अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गुंजन की तारीफ हो ही जा रही है और गुंजन के भाव बढ़ जाएंगे। वो तारीफ के लायक है वो बच्ची, सच में इतनी प्यारी लगती है मेरे को, सच में। हमारी बच्चे तो उसी के उसके हैं, फिर टेंथ में पढ़ती है मेरी बच्ची ना, कहाँ काम करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, आपकी बच्चे तो इतनी अच्छी है ना। अभी इससे जाती हुई है, आप आना कर कर भी आऊँगा, मैं ठीक नहीं सोच, अच्छा लगा मुझे भी, अच्छा लगा मिल के आपसे। चलो ठीक है, तो देखिए हमारे सब्सक्राइबर हमारे दीदी बोल सकते हैं, हाँ, दीदी वहीं की भी हुए, वो मिल गए, ये जैसे संबंध भी है, ये भी बहुत पहले से मैं बोलूंगी बोलूंगी सोच रही था, फिर मैंने डिस्टर्ब करना अच्छा से समझा, कभी अकेले मिल बोल दिया करो, कभी भी ऐसा नहीं है। ठीक है फिर, हाँ कभी आना फिर इधर से, हाँ डेली मैं सोच रही थी भाई। तो स्कूल में भी सब्सक्राइबर लोग मिल रहे हैं मुझे और अच्छा भी लग रहा है, और गुंजन की तारीफ कर रहे हैं, जब तो अच्छा लगता है अपने बच्चों की तारीफ सुनना, किसको अच्छा नहीं लगता ना, और वहाँ पे ऐसा ऐसा लग रहा है कि पीछे दौड़ के ना आ जाए। तो मैं फटाफट से निकलती हूँ घर को, और चलने में ना मेरी सांसें फूल रही है, देखो अभी भी। तो चलते हैं सुबह सुबह वॉक करना, बच्चों को पहुँचाना, अच्छा लगता है स्कूल में, लेकिन दिन में गंदा लगता है लही लेने जाना, क्योंकि दिन में टाइम कब जाता है पता भी नहीं चलता, आप भी एक डेढ़ बज जाते, काम हुआ नहीं रहता, एक डेढ़ बज जाते हैं, तो दिन भी इतने छोटे पता नहीं क्या हो रहे। तो चलती हूँ, और दीदी मिले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे ब्लॉग को देखते हो, और फिर भी तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और आज बिना मुँह धोए मैंने नाश्ता पानी बना दिया, और बच्चों को छोड़ के भी आई हूँ, क्योंकि सुबह लेट हो गया था उठने में, तो ऐसे खाली पानी लगाया चेहरे पे, ऐसे पानी से एक दो छपैक मारी मुँह में, तो उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाया और बच्चों को छोड़ के आई, और अब लग जाती हूँ अपने डेली की रूटीन वाले काम में। तो हमारा काम यही रहता है, काम करो वो करो, और मैंने ना मिर्ची का अचार बना रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को मिर्ची का अचार बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए स्पेशली अचार बना रखा है, तो जब वो आएंगे ना वो खुश हो जाएंगे, ऐसे ब्लॉग देख के तो खुश हो जाएंगे, पता नहीं कैसा लगता है उनको, लेकिन दिल से बना रखा है, अच्छा लगे बुरा लगे खाना पड़ेगा उनको। तो फिलहाल मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको मैं, सारा काम फाइनल कर। तो फाइनली सारा काम हो चुका है, और मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता, नाश्ते में बना रखा है मैंने पराठे और गोभी की सब्जी, और ये है हरी चटनी। तो नाश्ता करती हूँ, फिर मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आ गई है, वैसे मैं परसों भी गई थी लेकिन उस दिन ना मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, और आज भी जा रही हूँ, और मेरे साथ आ रही आज भी जयादी, और सुबह ना मौसम अच्छा हो रखा था, और अभी भी ना बादल लगने लग गए हैं, तो मैं फटक से नाश्ता कर लेती हूँ एक बार। तो गैस मेरा नाश्ता पानी भी हो गया है, और जयादी भी आ गए हैं यहाँ पे, तो हम दोनों जा रहे हैं अब अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आ गई थी, तो मैंने पिज्जा ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं तो गई थी लेकिन ये नहीं गई थी, तो मैं इनके साथ में जा रही हूँ। तो चलिए जी, हम लोगों ने यहाँ से सामान भी रख लिया, अब चलते हैं हम फ्रेंड के घर पे। हम आ गए अपने दोस्त के घर पे, और देखो हमारे लिए आ गया जूस, अनार का जूस, खून, ब्रेड की कमी हो रही थी हमको आजकल। दी शर्मा की, और ये है मेरी दोस्त की सिस्टर, और फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं, तो चलो फिर, हाँ ये भी दोस्त ही ठहरे, चलो तो चलो पीते हैं। तो देखो पीहू भी स्कूल से आ गई है, और अपनी बहनी को कैसे देख रही है, पीहू मैं ले जाऊँ से नहीं, हेलो तो कर दो फिर एक बार, हाय हेलो, हाय गाइस कर दो, अरे शर्मा गई लड़की, शर्मा गई क्या, ये मेरी बहनी है, बोलो ये किसकी बहनी है, लक्कू की, देखो देखो तीन, ये देखो, समय है शाम के 5 बजे का, और बच्चे गए हैं ट्यूशन, और मैं और मेरी फ्रेंड की सिस्टर अभी जा रहे हैं जयादी के पार्लर में, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा सामान खरीदना है, तो हम लोग जा रहे हैं, उन्होंने रास्ता भी नहीं देखा, तो मैं ले जा रही हूँ इनको, और हेल्प कर रही हूँ आज इनकी,
तो चलते हैं। तो जय आदि से तो आप मिल रहे हो आजकल रोजी, तो आजकल मेरे ब्लॉग में आज पहली बार ना, या एक दिन हॉस्पिटल में भी ना, तो आज सेकंड टाइम आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हो इनको। तो इनका नाम है दीपा और इनका चैनल भी है दीपा रतेला करके, आप सब्सक्राइब कर देना इनके चैनल को भी। तो हालांकि ब्लॉग भी बनाती हूँ ऐसे, अभी शॉर्ट्स डालते हैं, ब्लॉग भी डालेंगे धीरे धीरे, सीखने की कोशिश हो रही है अभी। तो आप ब्लॉग सिखा रहे हैं? सिखा रही मैं इनको थोड़ा थोड़ा, मेरे को खुद अच्छी तरह नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा किसी को बताना अच्छा ही होता है ना, जितना अपना आया। तो अभी चलते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं जयादी के पार्लर में, और ये रही जयादी, और ये तो जो मेरे साथ आए थे वही है अभी, और इन्होंने ना आके ये भी खरीद लिया है, काफी अच्छे हैं, डेली यूज के लिए बहुत अच्छे हैं। और अभी पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं ये, खरीदते हैं दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी, ये दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो अभी जयादी ने हमारे लिए क्या बना रखा है, अभी हमारी टी पार्टी है, ठीक है, बनाई तो कुछ नहीं है, ऑर्डर किया है मैंने, बनाने कुछ बनाया है, देखो ऑर्डर बनाया नहीं, ऑर्डर ऐसी ऐसी दीदी सबको मिले ना दीदी तो हमारा तो ऐसे ही चलता है। हाँ, तो ये लोग मुझे भी कह रहे हैं चैनल खोलने को, बट मैं नहीं खोलती चैनल। हाँ मैं इनको बोल रही हूँ कि चैनल खोलो, चैनल खोलो करके, लेकिन खोल नहीं रहे, ये खोला है इन्होंने खोला है वो, इसी में मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैंने खोला इन्होंने खोला, एक बात ये। तो आप सब लोग इन लोगों को सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करिएगा, थैंक यू, और डेली इनके वीडियो को देखा करिए। ये दोनों बहुत अच्छे बनाते हैं, बट वो तो न्यू है, इनको तो एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी इन्होंने मुझे फोर्स किया, बनाओ, हाँ जी, हाँ जी, तो हमने किया, बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ। तो आप लोग ना प्लीज सिया लाइव ब्लॉग एंड दीपा रतेला करके इनके चैनल का नाम, फिलहाल मेरे भी उतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं सबको मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि बनाना चाहिए ना, सपोर्ट करते हैं। ये है कि पैसा आता है मेन चीज नहीं है, अपनी मेमोरी थोड़ी सेफ हो जाती है अपनी और अपने बच्चों की, कि हम बाद में देखेंगे ना, हम कहेंगे हम जवानी में कितने अच्छे थे, कितने अच्छे लोग थे, ये मेमोरी सेफ हो जाती है ना, बाकी पैसे आए ना आए वो बात की बात है, बात की बात है। और मेरा तो यही मोटिवेशन है कि सब लोग को सपोर्ट करो ना, और इनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, तो देखो, और हम अब क्योंकि मैं चाहती हूँ आगे से आगे हम आने वाले समय, मेरी खुशी है, हम आने वाले समय में ना पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन ये जो मेमोरी सेफ हुई ना, ये हमारे आगे तक देखिए, और हमारी पीढ़ी भी लाइफ टाइम रहेगी। तो चलिए फिर खरीदारी करते हैं, और आपका थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोचते हो और मुझे मोटिवेट करते हो, ये मेरी छोटी बहन है, फ्रेंड है, सब कुछ है, सब कुछ हमारा, सब रिलेशन है, सब कुछ है, तो ये मेरे लिए सब कुछ है भाई। हाँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये आगे बढ़े, तो ये तो कह रहे हैं दुकान भी तेरी है। हाँ, मैं तो इसको ये भी कहती हूँ, शॉप भी तेरी है। हाँ। तो चलिए फिर सामान खरीदते हैं, और अपनी सामान है, कुछ भी निकाल सकती हूँ अब तो, बिल्कुल यही है ऑनर, यहाँ की यही है, मैंने तो इसी को माना है ऑनर, क्योंकि छोटी बहन माना है तो सब कुछ है ना। थैंक यू सो मच आपका भी, और आज के ब्लॉग को भी ना यही पेंड करते हैं, क्योंकि हमको घर जाते जाते थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फिर बच्चों को भी ले जाना है ट्यूशन से, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आए, अगर आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भर भर के कमेंट करेगा, और अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मेरे ब्लॉग को। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।